हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित जैन और आज हम बात करेंगे एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि आपके पेट और आपके वेट दोनों को बहुत अच्छा मैनेज करता है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर फाइबर। अगर हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं तो फाइबर्स का मतलब होता है रेशे। अपनी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आपको रोज 25 से 30 ग्राम फाइबर्स को रोज कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो फाइबर्स होते हैं ये ना पचने वाले एलिमेंट्स यानी तत्व होते हैं जो हमारे को फ्रूट्स से, सब्जियों से और दालों से मिलते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये फूड से बड़े अलग होते हैं। जो हम खाना खाते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये फाइबर्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्व नहीं किए जा सकते और ये हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता दूसरे खाने की तरह। अब अगर ये हमारी बॉडी द्वारा पचाए नहीं जा सकते, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर इनका हमारी बॉडी में होने का फ़ायदा क्या है? अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये नहीं टूटते, इसका फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर जितनी भी गंदगी जमा है उसको स्टूल के द्वारा और उसमें जितने भी कार्सिनोजेंस होते हैं ना, कार्सिनोजेंस जिनको कैंसर तत्व तो बोला जाता है, उनको ये डाइजेस्टिव ट्रैक से क्लियर करना शुरू कर देते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। जो हम मोशंस करते हैं तो वो मोशंस अपने आप में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। अगर हमारे को ठीक मात्रा में फाइबर्स ना मिले तो हमारी बॉडी के अंदर जो मोशंस हैं उन मोशंस की इरेगुलरिटी होनी शुरू हो जाती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमारे को निष्क्रियता या स्लगिशनेस बोलते हैं उसे, या आलस आना शुरू हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी बड़ी उथल पुथल हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। फाइबर्स की कमी की वजह से हमारे को मलाशय का कैंसर या उसको कॉलन कैंसर भी बोलते हैं वो भी होने का खतरा रहता है, और उसके अलावा भी कई तरह के हेल्थ इश्यूज हमारी बॉडी में जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू मूव होते हैं और उसके बाद हमारी कॉलन्स की हेल्प करते हैं उसको साफ करने में और उसको हेल्दी करने में और उसको क्लियर करने में। फाइबर्स के और भी बेनिफिट्स हैं, ये हमारी जो हार्ट डिसीज़ है उस कि मतलब जो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम बनने वाली है तो उसको रिड्यूस करने का भी काम करते हैं, साथ में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो करने का काम करते हैं, साथ में ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करते हैं, साथ में ग्लूकोज लेवल को लो करने का काम करते हैं, साथ में अगर सूजन वगैरह बॉडी में बन रही है या बनने वाली है तो उसके खतरे को भी कम करते हैं, इवन आपके वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि ये वेट लॉस तभी करेगा जब फाइबर्स आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में आपको फुलनेस यानी आपको भरेपन का महसूस होना शुरू हो जाता है, भरापन। और उसके बाद क्या होता है कि आपका खाना खाने का मन कम करता है जिसकी वजह से आप खाना कम खाते हैं, और आपकी इंटेस्टाइन तो क्लियर होनी शुरू हो जाती है, साथ में आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप खाना कम खाते हैं। अब ये फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक तो घुलनशील और एक अघुलनशील, यानी एक जो बॉडी के अंदर सॉल्युबल होते हैं और एक इनसॉल्युबल होते हैं। अब जो फॉरएवर आपको दे रहा है वो सॉल्युबल फाइबर दे रहा है, यानी जो आपकी बॉडी में जाके घुलना शुरू हो जाते हैं। अब फॉरएवर का जो फाइबर है इसके अंदर क्या खास बात है कि पहली बात तो ये हाईली न्यूट्रिशनल फाइबर है और इसके जो पाउचेज हैं वो 5 ग्राम का एक पाउच है, और इसके एक पाउच को लेने का मतलब है लगभग आपने 1.5 कप ब्राउन राइस या 2 स्लाइस आपने व्हीट जो ब्रेड होती है व्हीट टोस्ट है ना उसके आपने ले लिए, और साथ में आपकी बॉडी में जो है ये इसके अंदर ना तो ये कैलोरीज को इकट्ठा होने देता है ना कार्बोहाइड्रेट्स को इकट्ठा होने देता है। अभी जो फाइबर्स हैं ये जो आपकी ऑप्टिमम हेल्थ है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं, और साथ में आपका जो डाइजेस्टिव फंक्शन है उस नेचुरल डाइजेस्टिव फंक्शन उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर आप इनको खाने के बीच में लेते हैं पानी के अंदर मिला के तो आपकी बॉडी के अंदर ये मतलब आपके पेट में आपको फुलनेस महसूस कराएंगे, जिसकी वजह से आपकी एपेटाइट कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है, जो फूड क्रेविंग्स होती हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है, और जो आपका कैलोरी इनटेक है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके वेट मैनेजमेंट में आपकी बहुत हेल्प कर। अब वेट मैनेजमेंट में ये एक तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है, और साथ में जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है इन न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम करने का काम करते हैं। अब जब ये तीनों कम हो जाएंगे तो आपका वेट तो अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगा ना।
अब एक हाईली क्वालिटी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, इसकी वजह से जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको स्लगिशनेस या आलस नहीं आता इसको खाने के बाद, और साथ में आपको लो एनर्जी फील नहीं होती। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि फाइबर जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जैसे कहते हैं वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर भरा हुआ है, उस वेस्ट को क्लियर करने का काम करता है और आपके कॉन्स्टिपेशन को हल्का करने का काम करता है, मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने का काम करता है। आपकी बॉडीज में फिलनेस आती है जिसकी वजह से आपका वेट मैनेजमेंट भी होता है, आपका पेट साफ भी होता है। तो इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करते रहिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके वेट मैनेजमेंट जर्नी में। और उसके बाद इसको लेने का तरीका यही है कि इसको अगर आप सुबह सुबह जेल के साथ लेना चाहते हैं तो 30 ml पानी में लगभग इसको डाल लीजिए और उसको अच्छी तरह घुमाइए। उसके बाद क्या है, एक्चुअली क्या है, जेल थोड़ा गाढ़ा होता है, उसके अंदर मिलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है इसका घुलने में, तो इसको पानी में डाल के थोड़ा आप घोलिए और उसके बाद उसमें आप लगभग 100 ml जेल मिला लीजिए, तो ये फाइबर इनटेक इस तरह कर सकते हैं आप। और अगर आप लेना चाहते हैं तो जो आप दोपहर में खाना खाते हैं उस दोपहर के खाने के अंदर आप इसको ले सकते हैं, जो पानी पीते हैं थोड़े से पानी के अंदर इसको आप ले लीजिए, तो फिलनेस की फिल आपको फिलनेस महसूस कराएगा जिसके से आप डाइट कम लेते हैं तो आपका वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ मिलता हूँ और आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।